जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन सुहेल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन। दोस्तों आज एक बार फिर आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। आप मेरे पीछे जो मोबाइल क्रेन देख रहे हैं, आज इसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब में मोबाइल क्रेन का काम जो है वो किया जाता है और मोबाइल क्रेन चलाने की आपको कितनी सैलरी या तनख्वाह हो जो है वो दी जाएगी। इस काम पर अगर आप आना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश से, तो किस तरह से आ सकते हैं। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि इस मोबाइल क्रेन को चलाते हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलें भैया। वालेकुम सलाम। इधर आ जाए। नाम क्या है भाई? आसिम। हाँ आसिम। आसिम आसिम भाई आप कहाँ से हैं? हम टोबाटेक से। पाकिस्तान टोबाटेक से। हाँ जी। अच्छा ये मोबाइल क्रेन ये इस कितने टन की है? मतलब 50 टन का करेन। 50 टन? हाँ जी। कब से आप इसको चला रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं, यानी कि अब अभी आए हैं। हाँ जी। तो इस क्रेन को पाकिस्तान में आप चला लेते थे, ये यहाँ पे आपके ट्रेनिंग लिए? नहीं, मैं पाकिस्तान में चला लेता पहले। पाकिस्तान में चला? हाँ जी। यानी कि पाकिस्तान में पहले ये चलाई है? हाँ जी। ये बड़े भाई हैं आपके? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदाकत भाई। हाँ सदाकत। अच्छा कब से आप ये चला रहे हैं मोबाइल क्रेन? ये तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, ठीक है माशाल्लाह। ये मोबाइल क्रेन जो है भाई किसकी है? आपकी है या फिर आपकी कंपनी की है या कफील की है? किस कफील की है? कफील की है। तो इसको चलाने की आपको कितनी सैलरी जो है वो दी जाती है? सैलरी तकरीबन 3000 भी है, 3500 भी है, 4000 भी, मुख्तलिफ किस्म की होती है। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है, इसके लिए हम वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं कि अगर मोबाइल क्रेन पे कोई बंदा जो है वो आना चाहता है इस काम में, तो किस तरह से पाकिस्तान या इंडिया से फिर आ सकता है और ये काम कितना करना आसान या फिर कितना मुश्किल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएँ। ये तो उधर ही काम सीख के आए तो बेहतर है, यहाँ पर आके सीखना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि आपको पता ही है मरूर का जो हालात है इधर, रोडों के ये सिस्टम है। टाइम कितना लगेगा इस काम को सीखने में? सीखने में तो तकरीबन 1.5 साल भी लग जाता है, साल भी लग जाता है। अपना आदमी हो तो जल्दी में सिखा देता है मसलन ये। अच्छा, यानी कि अपना आदमी हो तो जल्दी में सिखा देता है। तो वैसे इसका ओवरऑल काम कैसा है, अगर कोई बंदा इस वीजे पे आए तो इसका काम मिल जाता है आसानी से? काम तो मिल जाता है, लेकिन उधर का उधर से सीख के आए तो फिर मिल जाता है, उसके लिए कोई फिर यहाँ पर आके मुश्किल नहीं होती इसको TV बनाने में या रुख्सा बनाने में, कोई मसला नहीं होता। कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी इसका? ये तकरीबन 10 घंटे होती है यहाँ पर। अभी आपको कितनी सैलरी जो है वो दी जाती है? ये 3500 दे रहे हैं। 3500 रियाल में आपका कामा जो है वो अपना है या इसके रहायश वगैरह अपनी है या कफील की है? उसमें रहायश जो कफील की है, कामा हमारा उसका अपना है और उसमें टिकट विकट जो हमारी अपनी है। अच्छा, बाकी खाना पीना आपका अपना? हाँ खाना पीना अपना। चलिए ठीक है। और इसके अलावा बताएँ इस काम के बारे में थोड़ा सा, आप बताएँ कि ये काम जो है वो कैसा है? नहीं काम तो अलहमदिल्ला ठीक है, काम का इतना मसला तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो भी है यहाँ पर सीख के है, सीखने के बगैर नहीं है यहाँ। इसको सीखने में ज़्यादा मुश्किल है मोबाइल क्रेन जो है चलाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल तो आजकल तो लोग जहाज भी उड़ा रहे हैं, उसके मुश्किल तो कुछ भी नहीं, जो सीखने के लिए जो आदमी करता है तो उसके लिए कोई मसला नहीं। ये सब आपके भाई हैं? नहीं बांझा है। चलें इसके अलावा ये बता दें, जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से या फिर कहीं से भी हमारे चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, इस काम पर आना चाहिए या फिर आप किसी और काम पर जाएँ, क्योंकि ये काम जो है वो कितना आसान है, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बता दें। ये हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड है ये, अगर जो भी आएगा तो जो भी जो काम जिसके काम के लिए आता है तो उसके लिए मसला नहीं है। अच्छा, आप आदमी का अपना जो माइंड होता है काम करने, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं वहाँ पर ट्रेन है, उनको यहाँ पर लाइसेंस बनवाना, ये चीज़ें जो वो कितनी मुश्किल है? हाँ लाइसेंस बनाना तो पड़ता है, अभी आजकल तो वैसे लोग बाहर बाहर से बनवा रहे हैं, तकरीबन 6000-5500 रियाल देंगे, तो नए आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको पता है ये जो लोग कर रहे हैं ट्राई वराई का सिस्टम, ये वो तालीम जालीम ये वो, तकरीबन कोई 15-20 दिन तो पहले था, अभी का पता नहीं है, मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा टाइम। अच्छा चलें ठीक है, एक पैगाम दे दें, जो मैसेज दे दें जो लोग देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, सबसे पहले तो उनको कह दें कि इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सऊदी अरब से हम इस तरह की वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। इसके अलावा एक पैगाम दे दें उन लोगों को जो लोग आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? भाई ये नए 100 दफ़ा आए। अच्छा, लेकिन काम सीख कर आए? काम सीख कर आए, उधर ही सीख के। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए दिन जी, किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियोज़ जो है वो देखने के लिए। शुक्रिया।